अमेठी के मुसाफिरखाना में युवा समाजसेवी व प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पूरा बिसारा अन्ना भाई की ओर से चल रहा है गांव में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्यक्रम। टंकियों से करा रहे घरों घरों में छिड़काव एवं नालियों में चल रहा है सफाई अभियान। गौरतलब हो कि अन्ना भाई प्रधान न होते हुए भी पहले भी गांव के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते आ रहे थे। यही नहीं, पिछले लॉकडाउन में ग्रामवासियों की भी, जरूरतमंदों की भी, राशन और इलाज आदि से लेकर पूरी मदद इन्होंने की थी। अन्ना भाई से समाज सेवियों को सीख लेनी चाहिए। सुल्तानपुर में बल्दीराज क्षेत्र के पारा चौराहे से मंगल बाजार जाने वाली रास्ते पर जलभराव होने के कारण बाजारवासी बुरी तरह परेशान हैं। जिम्मेदार जलभराव निकासी के लिए नहीं दे रहे हैं ध्यान। दुकानदारों के मुताबिक इस रास्ते पर हमेशा से ही ऐसी स्थिति बनी रहती है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की अवैध पिस्टल और अवैध तमंचा लहराते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि तत्काल पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के धनऊपुर गाँव से जुड़ा हुआ है। नकुल चौरसिया ग्रामीणों में दहशत फैलाने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सुल्तानपुर में ताऊते तूफान का कहर। मुंबई में बोट पर काम करने गया अधेड़ गिरा नीचे। बोट के नीचे आने से तीन भागों में कटा अधेड़ का शरीर। मृतक राधेश्याम के दो बेटे, तीन बेटियां हुई बेसहारा। मौत की सूचना से परिजनों में मचा कोहराम। पिता के अंतिम दर्शन को भी तरसे बच्चे। मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। मौत की सूचना बाद थानाध्यक्ष बल्दीराय अमरेंद्र सिंह ने पीड़ित के घर जाकर राशन किट देते हुए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बल्दीराय थाना क्षेत्र के सुरेश नगर बरासीन गाँव का है रहने वाला मृतक। सुल्तानपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन के जिला मंत्री छात्र नेता सौरभ मिश्रा ने अपने जन्मदिन को कुछ नए अंदाज में मनाया। जहां लोग अपने जन्मदिन पर केक और मिठाइयों को खिलाकर खुशियां मनाते हैं, वहीं छात्र नेता सौरभ मिश्रा ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए लोगों को मास्क वितरित करके अपना जन्मदिन मनाया। उप जिलाधिकारी अमेठी को सौंपा गया मुख्यमंत्री का संबोधित ज्ञापन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारीलाल कंचल के दिशा निर्देश पर अमेठी नगर अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि समय शादी विवाह का समय चल रहा है, मार्केट में दुकानें बंद होने के कारण लोगों को समस्याएं आ रही हैं। अमेठी मार्केट को समय अनुसार सभी दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया जाए। अमेठी में सरकारी राशन की दुकानों पर एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। संयुक्त मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौर्य ने विकासखंड के सभी 39 ग्राम सभाओं के कोटेदार के यहाँ वितरण की जाँच करने के लिए टीम भेजी। प्रशिक्षु एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने कोटेदारों को निर्देशित किया कि सभी को पूर्ण राशन व गुणवत्ता पूर्ण में मिलना चाहिए, जिससे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अमेठी के गोमती नदी में नहाने गए चार युवक डूबे। नदी के पास मौजूद मछुआरों ने तीन युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। युवक की तलाश में अमेठी और अयोध्या पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। एक युवक के लिए पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। बाजार सुकुल के हसनपुर तिवारी गांव के रहने वाले हैं सभी युवक। बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के सत्तीन घाट का है पूरा मामला। अमेठी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12,000 के इनामिया सातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई गंभीर धाराओं में वांछित है अभियुक्त। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतु रोड बाईपास से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।